आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का इंतजार हर लड़की करती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। जानू, तुम्हारा फोन है, ले लो। अभी आई। हाँ। अरे यार, कट गया। किसका था? I don't know, शायद किसी फ्रेंड का होगा। मैं अभी बिजी हूँ, बाद में देखती हूँ। ठीक है। जानू, हम ना शाम को घूमने चलेंगे। बाय। बाय। हेलो। हेलो, हाउ आर यू जानवी? बहुत बिजी हो गई है यार तू आजकल। नहीं रे, आई एम फाइन। तू बता, कैसी है पूजा? तू ही सुना, कैसी कटी रात? जैसे रोज कटती है। क्यों भाई? क्यों क्या? अरे वो धत्तगली, सत्यनारायण की पूजा होना अभी बाकी है और मुझे इतने जल्दी बच्चे नहीं चाहिए। सुना तूने? ओके बाबा, तू टेंशन मत ले यार, इसका भी इलाज है अपने पास। इलाज? कौन सा? गोलियां। तू गोलियां लेते जाना बस। गोलियां? ठीक है, मैं आज ही लेके आती हूँ। ओके पूजा, बाय। बाय जानवी, सी यू। जानू, कैसा रहा आज का दिन? अच्छा था, बहुत अच्छा था। जानू, जरा जल्दी आना। हाँ आती हूँ। जानू, जानू। हेलो मैम। क्या हुआ? पता नहीं, अचानक डॉक्टर सुबह सुबह चक्कर सा आ गया। आओ मैं चेक करती हूँ। जी आप प्लीज। या श्योर, थैंक यू। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। नई नई शादी में ऐसा होता है, मामूली सा वीकनेस है, ये मेडिसिन ले लो, ठीक लगेगा, यू विल फील बेटर। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। चलो। पापा मुझे बचा लो पापा।
मैं मरना नहीं चाहती पापा। मम्मी मम्मी मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। राहुल घबरा मत बेटा, मत घबरा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सब सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ पापा है ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब कैसे हुआ बेटा? माँ उस रात जानू क्यों ना 8-10 गोलियां एक साथ ही ले ली जाए, 2-3 साल की झंझट ही खत्म हो जाएगी। पेशेंट को ओटी में लेके जाना है। हमने हमारी तरफ से बहुत कोशिश की, शायद भगवान को यही मंजूर था। सॉरी नहीं बचा पाए हम आपके बेटे। डॉक्टर डॉक्टर संभालिए अपने आप। मेरी जानू, मेरी जानू। तो देखा आपने, किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या पर डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी प्रकार की दवाई का सेवन ना करें, वरना परिणाम आपके सामने हैं। मैं तो अपना जीवन खो चुकी हूँ, पर आपके पास अभी भी समय है। तो सोचो, काश मैं